मेरे चैनल नेहास किचन में। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे थम्स अप करना और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की क्विक रेसिपी। तो आज की रेसिपी है इटालियन डेजर्ट जिसका नाम है टिरामिसू। तो मैं इसमें आपको इसके दो फ्लेवर्स बताने वाली हूँ, एक कॉफी और दूसरा ऑरेंज का। इसमें आपको कोई भी कुकिंग या बेकिंग करनी नहीं पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले आप ले लें मास्कारपोने क्रीम। तो यहाँ पर आप ले लें 250 ग्राम मास्कारपोने क्रीम। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप इसमें क्रीम चीज भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये डेजर्ट इटालियन डेजर्ट है इसीलिए यहाँ पर ये मास्कारपोने क्रीम यूज किया जाता है, क्योंकि इटालियन डिशेस में बहुत ज्यादा यही क्रीम यूज किया जाता है। तो जो इसका टेक्सचर होता है वो बहुत ही ज्यादा थिक होता है। ये देखिए ये कितना ज्यादा थिक है। और इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 5 टेबलस्पून शुगर। और अब बारी आती है इसके फ्लेवर की। तो आप इसमें डाल दीजिए 1 टीएसपी वेनिला एसेंस। अब हमें इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। तो आप हैंड ब्लेंडर को रखिए मीडियम स्पीड में और इसे तब तक आप अच्छे से बीट करें जब तक शुगर और क्रीम अच्छे से एक साथ मिक्स ना हो जाए। तो आप बीच बीच में बाउल को किनारे से भी क्लीन करिएगा ताकि जो शुगर है वो साइड में ना चिपके, और इसे कुछ इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, पर उसमें आपको ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये टिरामिसू मैंने एक इटालियन रेस्टोरेंट में खाया था और मुझे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था। आप किसी भी बर्थडे पार्टी या कोई गेट टुगेदर में ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। और अच्छे से मिक्स होने के बाद आप उसमें डाल दीजिए 1 कप चिल्ड व्हिप्ड क्रीम। याद रखिएगा कि जो व्हिप्ड क्रीम है वो अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने जो कप यूज किया है वो 250 ml का है, तो आप 250 ml इसमें चिल्ड व्हिप क्रीम डाल दें। और इसे हमें एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हैंड ब्लेंडर को आप रखें मीडियम स्पीड में और 10 मिनट में ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बाउल को आप किनारे से क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो इसमें काफी लम्स आ जाएंगे। तो इसे हमें तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें स्टिफ पीक ना आ जाए। और 10 मिनट में ही ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें स्टिफ पीक भी आने लग गया है। अगर आपसे स्टिफ पीक नहीं आ रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, आप इस स्टेज तक भी इसे लाकर यूज कर सकते हैं। तो टिरामिसू में यूज की जाती है फिंगर बिस्किट। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है टिरामिसू। तो ये बिस्किट आपको किसी नॉर्मल स्टोर में भी मिल सकती है और ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो कॉफी फ्लेवर के लिए आप एक बाउल में डाल दें आधा कप पानी और उसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर और 1 टी स्पून शुगर। और बस आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो यहाँ कॉफी गर्म पानी से भी बना सकते हैं, पर याद रखिएगा कि इसे यूज करने के पहले वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर में ठंडा हो। और आप इसमें 2 टेबल स्पून रम भी ऐड कर सकते हैं। और अब आप ले लें आधा कप ऑरेंज जूस। तो आप रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर घर पर ही ऑरेंज जूस निकाला है। अगर ये बहुत ही ज्यादा खट्टा हो तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। तो अब दोनों फ्लेवर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो जो ये फिंगर बिस्किट आती है इसका एक लेयर शुगर कोटेड होता है, तो उसे हमें ऊपर की साइड रखना है और इसे सिर्फ 3 सेकंड के लिए आप इस तरीके से इसमें डीप करें। आप इसे ज़्यादा देर तक कॉफ़ी या ऑरेंज जूस में ना रखें और फिर आप इसे किसी भी सर्विंग बाउल या ग्लास में कुछ इस तरीके से नीचे रख दें। तो शुगर कोटेड पोर्शन जो है वो ऊपर के साइड होना चाहिए। और इसके बाद जो क्रीम हमने रेडी किया था व्हिपिंग क्रीम और मास्कारपोने क्रीम के साथ, आप इसे कुछ इस तरीके से लेयरिंग कर दें।
आप यहाँ पर टेरामसु फिंगर बिस्किट की जगह कोई भी वेनिला स्पॉन्ज केक भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वेनिला स्पॉन्ज केक लेफ्ट ओवर है, बचा हुआ है, तो आप उसे भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो दूसरी लेयरिंग के लिए भी मैंने बिस्किट को बस कुछ 3 सेकेंड्स के लिए ही इसमें सोक किया और उसके बाद एक क्रीम के ऊपर एक और लेयरिंग कर रही हूँ। तो आप इसे कोई बड़े बाउल में भी इसी तरीके से लेयरिंग कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसे डाल दिया है पाइपिंग बैग में। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। पाइपिंग बैग से करने से इसे करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और अब आया इसका फाइनल लेयर की बारी। तो सेम मैंने जो फिंगर बिस्किट है उसे सोक कर इसमें रखा है और उसके बाद उसमें लगा दिया है व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पर आप कुछ डिज़ाइन भी इस तरीके से बना सकते हैं जो दिखने में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो ऑरेंज जूस के साथ भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। बिस्किट को यहाँ मैंने 3 सेकेंड के लिए इस तरीके से डिप किया, इसे तोड़ा और उसके बाद ग्लास में इसे रख दिया। यहाँ फ्लेवर्स में आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स, मैंगो फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। सेम हमने इसे कॉफी का जैसा हमने लेयरिंग किया था, कुछ इसी तरीके से इसे फिर से लेयरिंग करेंगे। और इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कोको पाउडर कुछ इस तरीके से इसमें डाल लें। तो यहाँ मैंने जो छन्नी है उसका यूज किया है डालने के लिए। तो ये दिखने में तो अट्रैक्टिव दिखता ही है, साथ में खाने में भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कोको पाउडर का। तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। तो फ्रीज में आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें ताकि जो बिस्किट है उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आ जाए और आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाली हर रेसिपी आपको टिप्स और सीक्रेट के साथ मिलती रहे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।